है गाइस व्हाट्सअप, आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे कि फ्री सॉफ्टवेयर कब आएगा, तो फाइनली मैं ला चुका हूँ और अभी मैं आप लोगों को वो डेमो दिखाऊंगा। एक्चुअली बहुत सारे सेटिंग वगैरह मुझे भी देखना था और मैं प्रैक्टिकली उसे अप्लाई कर रहा था कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कुछ दिनों से मैं इसी सॉफ्टवेयर को मैं अप्लाई करके देख रहा था कि सब कुछ काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं और रियल लाइफ में वो कैसा काम में आता है वो देखना थोड़ा ज़रूरी है। तो अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कैसे ये काम कर रहा है। तो जैसे कि मान लो अभी मैं ये सारा सामान बिलिंग करूँगा, तो कुछ सामान में जैसे कि बारकोड है और ये जो प्रोडक्ट है इसमें कोई बारकोडिंग है ही नहीं, और आप देख सकते हो कि इसमें भी बारकोड है और ये एक लूज़ प्रोडक्ट है जिस पे कोई बारकोडिंग है नहीं। तो ये सारा सामान मैं बिल करके दिखाता हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे ये इंटरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट मैं एंट्री करूँगा यहाँ पे दिखेगा। और इस सॉफ्टवेयर का ये ख़ास बात है कि आप बिलिंग करते वक्त आपको माउस का इस्तेमाल अगर ना भी करो तो भी चलेगा। तो सबसे पहले दिखाता हूँ कि ये सारा सामान मैं कैसे बिलिंग करता हूँ। जैसे बार कोड स्कैनर है और स्कैन किया और इधर दिखाओ तो सारा बिल हो रहा है, पूरा चीज़ दिखा दो। और जैसे कि मैं दूसरा चीज़ कर रहा हूँ, मैं अभी भी कोई भी माउस इस्तेमाल किया ही नहीं, तो जैसे बिल किया तो ये बिल हो चुका है। और ऐसे दूर से दिखा दें, हाँ। और ये ओरल बी का ब्रश है, ये भी मैंने बिलिंग किया और अब आ गया। ये एक लूज़ प्रोडक्ट है, इसका तो कोई बारकोड आप लगा सकते हो, यहीं से बारकोड आप निकाल सकते हो एक बारकोड प्रिंटर अगर होगा तो, लेकिन ये एक लूज़ प्रोडक्ट है। और जब आप लूज़ प्रोडक्ट डालोगे तो आप क्या करना है आपको, लूज़ प्रोडक्ट में जो क्योंकि ये बारकोड नहीं है, या तो आप एक बारकोड पहले से आप शॉर्ट बारकोड क्रिएट करके रख सकते हो, या फिर आप F3 दबा सकते हो और आप वहाँ पे ये सामान का नाम सर्च कर सकते हो। जैसे ही आप सामान का नाम सर्च करोगे आपको देखेगा कि आपको यहाँ पे सामान का वो नाम आ गया, और एरो की यूज़ करके आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। और एंटर दबाते ही आप उसका क्वांटिटी पूछेगा, और क्वांटिटी में जैसे ये 500 का है 0.5 आप लिख देंगे और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे कि ये 500 का वो सामान आ चुका है, ठीक है। तो ये भी मैंने बिल कर दिया। और ये भी एक वही वैसा ही है, ये एक प्रोडक्ट है, इसका भी आप शॉर्ट बारकोड आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर ये देखो इस प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें बारकोडिंग नहीं होता, तो इसको भी तो आपको बिलिंग करना है ना, इसे आप कैसे बिलिंग करोगे। या फिर आप देखो, मैंने यहाँ पे एक बारकोडिंग शॉर्ट बारकोडिंग करके रखा था, तो आप उसे यूज़ करोगे तो भी आ जाएगा। और अगर आप वैसे जैसे मैंने दिखाया कि F3 दबा के आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो, यहाँ से भी आप उसे एंटर कर सकते हो, तो बहुत ही आसान है। तो जैसे ये सारा हो गया चीज़, आप बिल कैसे करोगे। F10 का मतलब है पेमेंट, तो जैसे ही आप F10 दबाओगे तो आपको यहाँ पे ये स्क्रीन आएगा, तो जैसे कि 206.50 रुपये बिल हुआ है और कस्टमर मान लीजिए 500 रुपये की दे रहा है, तो डायरेक्ट आप 500 लिखोगे और एंटर जैसे ही दबाओगे तो यहाँ पे चेंज वगैरह सब कुछ दिखेगा। और एक बार एंटर दबाते ही ये कैश ड्रॉयर ऑटोमेटिक खुल गया और बिलिंग भी देखो ऑटोमेटिक निकल गया। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो बिलिंग, आप लोग थोड़ा स्क्रीन पॉज करके देख लो, ऊपर कुछ भी लिख सकते हो, नीचे कुछ भी लिख सकते हो। और ये मैं ये जो प्रिंटिंग फॉर्मेट है, ये 2 इंच का प्रिंटिंग फॉर्मेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अगर नए दुकानदार हो आप लोग ज़्यादा महंगा प्रिंटर शायद ना ले पाओ, और ये तो सॉफ्टवेयर फ्री में है ही, और उसका सारा लिंक वगैरह मैं सब कुछ दे दूँगा इसमें, इसके लिए मैं ना ही कोई पैसा चार्ज करूँगा, क्योंकि ये है ही नहीं मेरा, तो मैं कैसे पैसा चार्ज करूँगा। लेकिन हाँ, मैं कुछ इसका जो भी फाइल वगैरह बना के दूंगा वो आगे आने वाले वीडियोस में या फिर इस डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा बाद में, कि पूरा सिस्टम सेटअप का जो फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा उसके लिए मैं शायद चार्ज करूंगा कुछ, और इसमें मैं जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो डाल के दूंगा, तो उसके लिए मैं चार्ज करूँगा। बाकी मैं ये देखो ये भी ऑटोमेटिक खुल गया है, और यहाँ से रिटर्न वगैरह देने के बाद अभी से बंद कर दो। तो ये सॉफ्टवेयर से ये सारा चीज़ काम कर रहा है।
बिल भी देख लो, इसके नीचे बिलिंग का एक बारकोड आ जाता है। अगर आप नहीं चाहते हो कि बारकोड नहीं चाहिए तो ये बंद कर देना, इसे आप ऑफ कर सकते हो। और ये भी मैं दिखा देता हूँ, ये जो मैं प्रिंटर आप लोगों के लिए लाया हूँ, एक्चुअली ये ऑनलाइन आपको 2200 से 2500 रुपए में मिल जाता है और बहुत बढ़िया है। आपने देखा कि ये 2 इंच का भी जो प्रिंटर है उससे मैंने बिल निकाल के दिखाया, तो बड़ा प्रिंटर में तो बहुत अच्छा निकलेगा ही। तो आप लोग अगर चाहते हो तो इससे भी आप काम कर सकते हो। तो ये है 100% फ्री सॉफ्टवेयर जो मैं डिस्क्रिप्शन पे देने वाला हूँ लिंक, उससे आप लोग डाउनलोड करो। और इसके आने वाले जितने भी फीचर है, जितने भी ट्यूटोरियल है, मैं सब कुछ आप लोगों को देने वाला हूँ। और मुझे नहीं लगता ये सॉफ्टवेयर आने के बाद आपको ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कम से कम मैंने 20-25 तो सॉफ्टवेयर मैंने देख ही लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये मैं आप लोग इसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। और हाँ, इस पर बहुत सारे फीचर है, थोड़ा ध्यान मैं और भी वो डिटेल का वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा भी अगर दिमाग लगाओगे तो सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन आसान अगर ना लगे तो आप मेरे वीडियो को मेरे चैनल से जुड़े रहो, मैं आगे आने वाले वीडियोस में बहुत कुछ कवर कर दूंगा, सारी चीज़ कवर कर दूंगा। और हो सके तो मैं कोर्स बना के भी डालूंगा, देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।